दोस्तों आज मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि जेसीबी चलाना कैसे सीखें। पहले जेसीबी के बारे में जानना चाहिए। देखिए जेसीबी, देखिए नया मॉडल है और ये लाल बटन जो दिख रहा है, लाल बटन से होता है मशीन में कोई ख़राबी हो जाए, दिक्कत हो तो मालिक को पता चल जाता है कि हाँ, मैसेज चला जाता है, लिखा है ना MS मैसेज चला जाता है। और इससे KBC होता है, लोडर जो बकेट जो है यहाँ से इधर होता है। और ये तो ऑटो है और इसमें चलाओगे जैसे, इसका मतलब है इसमें लोडिंग का काम होता है ज़्यादा। अगर लोडिंग वैसे मशीन कहीं ज़्यादा फंस गई है, बकेट ज़्यादा जो ताकत नहीं बना पा रहा है, तो इस वाले में कर देने से इसका मशीन का जान बढ़ जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है स्पीड मीटर है, रोड पर जैसे गाड़ी चलेगी तो स्पीड बताएगा कितना की स्पीड चल रही है। इससे तो आप जानते हैं आगे करोगे तो आगे जाएगी मशीन, बीच में न्यूट्रल होगा और उससे पास जाएगी, जैसे पीछे का गियर लगेगा आवाज़ करने लगेगी मशीन, सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पे गियर दिया है 1 2 3 4, नया मॉडल मशीन है KDX इको स्पोर्ट मशीन है, बढ़िया मशीन है, ज़्यादा आवाज़ नया वाली मशीन जो है ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है। और वो ट्रैक्टर है, इसी में चलता है, इसी जेसीबी के साथ में 200 फीट टाली लेकर चलता है। और आज यार इस ट्रैक्टर के साथ में बहुत बुरा हो गया, उसका पटिया भी कोई खोल लिया, वहाँ पे मंडी में खड़ा था। और बैटरी देखिए यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ से जो है बैटरी खोल करके निकाला गया है, दूसरी बैटरी लगी है। रात में बैटरी पटिया और टैली के ऊपर इंगल रखा गया था, वो भी चोरा लिया है कोई, वही 7-8 हज़ार का चुना लगा दिया है कोई। ठीक है, और अगले वीडियो में सिखाएंगे कि जेसीबी कैसे चलाया जाता है। वीडियो में बने रहिए, जेसीबी हम बताएंगे कैसे सीखा जाता है, सिखाएंगे इसी वीडियो में, अगला वीडियो में डालेंगे कैसे चलाया जाता है, और सब तो बता ही दिए।